सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हो होंडा सीवी 200X है। ये जो आप देख रहे हो कलर की बात कर ले तो ये डिसेंट मेटालिक ब्लू कलर में है और ये आपको 6 कलर ऑप्शन में मिल जाएंगे। सिंगल वेरिएंट या ऑप्शन में आपको मिलेगा। साथ ही साथ ये वीडियो आपको रहने वाला फुल डिटेल वीडियो इस बाइक पर आपको ये रहने वाला है। इसका साथ ही साथ जो है इसका फीचर्स, डायमेंशन और पटना बिहार का जो एक्स शोरूम प्राइस कितना पड़ने वाला है, इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल से इस वीडियो में आपको साफ पता चल जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों का जरूर करना। तो सबसे पहले इसके हम फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। इस बाइक में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, तो फ्रंट में आते हैं तो ये आप देख सकते हो। हेडलाइट की बात कर लें तो ये आपको LED सेटअप दिया गया जो कि रिफ्लेक्टर बेस्ड है और ये कुछ इस तरह का इसमें आपको वाइजर देखने को मिल जाएगा। ये आपका होंडा का स्टिकर मिल जाता है, ये आपको ब्लैक कलर का इसमें मिल रहा और ये जो डिसेंट ब्लू कलर जो आप देख रहे हो काफ़ी एग्रेसिव और एट्रैक्टिव लग रहा है। जो कि ये टूरर बाइक है, कहीं पर टूर पर निकलते हो तो ये बाइक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है 200 cc के सेगमेंट में। और ये कलर जो इसका जो निकल कर आ रहा है काफ़ी बढ़िया आ रहा है, ये आपको 6 कलर में मिल जाएंगे। और ये जो ये साइड टैंक कॉल बोल सकते हो ये काफ़ी बड़ा देखने में लगता है। दोनों साइड से जो दिया गया है काफ़ी गाड़ी जो है बड़कदार लगती है। फ्रंट से भी गाड़ी जो है इसका जो लुक है हेडलाइट का काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये जो आप देख रहे हो ये जो चीज़ें होंडा ने की है पहली बार की है, ये नकल गार्ड या हैंड गार्ड बोल सकते हो, इसी में आपको LED साइड टर्न इंडिकेटर दे दिया गया है जो कि दोनों साइड आप देख सकते हो। इसी में आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं, इसे ऑन करके आपको दिखाते हैं। ये कुछ आप देख सकते हो, ये इंडिकेटर जो है नकल गार्ड में फिट किया गया जो कि LED में दिया जा रहा है। और बंद कर दिए। और बात कर लेते हैं इसके फ्रंट सस्पेंशन की, जो कि ये आप देख सकते हो गोल्ड कलर का इसमें आपको सस्पेंशन दिया गया जो कि ये अपसाइड डाउन फ्रॉक फ्रंट फ्रॉक जो USD फ्रॉक बोल सकते हो ये गोल्ड कलर का दिया गया। ये जो मिडी गार्ड है ये आपको डुअल टोन में रखा गया है, ये फ्रंट में मेटालिक कलर का ही रखा गया है, पीछे आपको ब्लैक कलर का रखा गया है। साइड में इसका जो रिफ्लेक्टर दिया गया है सिंगल चैनल ABS के साथ आती है। डिस्क डायमीटर की बात करें 276 mm का इसमें आपको डिस्क डायमीटर मिल जाएगा। डुअल पिस्टन कैलिपर इसमें आपको साथ आती है और ये आपको 17 इंच का एलॉय मिल जाएगा जो कि ब्लैक कलर का आप देख रहे हो। और जो टायर प्रोफाइल जो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा 110x90x17 का इसमें आपको MRF कंपनी का ट्यूबलेस टायर इसमें आपको मिलता है कंपनी की तरफ से। बाकी आते हैं इसके ब्रेक टेल लाइट पर, तो कुछ इस तरह का आपको एक्स शेप में जो है ये है 200X का शेप इसमें रखा गया जो कि LED में ही ब्रेक टेल लाइट मिलते हैं। और ये ग्रैब रिल जो है ग्रे कलर का इसमें आपको दिया गया, ये भी आपको स्प्लिट में मिलते हैं। सीट जो है इसमें आपको सीट भी स्प्लिट रखा गया, राइडर प्लेन के लिए बेहतर सीट हो सकता। और सीट पता चल जाता है, देखने से पता चल जाता है कितना कम्फर्ट है। बात कर लेते हैं तो काफ़ी कम्फर्ट है और E20 का भी इसमें आपको अपडेट मिल जाता है। पीछे प्रोफाइल बात कर लेते हैं तो ये यहाँ पर आपको होंडा का स्टिकर मिलता है, ये इंडिकेटर आप देख सकते हो, ये भी LED में, ये रिफ्लेक्टर हो गया, ये नंबर प्लेट लगाने की जगह हो गया। साइड में आते हैं तो ये छोटा सा आपको एग्जॉस्ट इसमें आपको मिल जाता है, ये आपको मुफलर हो गया, ये हीट स्टील कवर बोल सकते हो। और इधर साइड में आते हैं तो पीछे भी आपको सेम प्रोफाइल वही देखने को मिल जाएगा। पीछे आपको ABS नहीं मिलेगा, सिंगल चैनल ABS है, सिंगल कैलिपर के साथ 220 mm का डायमीटर है डिस्क डायमीटर, 17 इंच का एलॉय है, MRF कंपनी का ट्यूबलेस टायर दिया गया। यहाँ पर सेंटर में आते हैं तो CV200X का जो है ये आप देख सकते हो स्टीयरिंग किया गया। बाकी इसके साइड चीज़ें जो आप देखने में आप देख सकते हो, जो टैंक काउल बोल सकते हो 200 का जो ग्राफिक्स किया गया है और ये मेटालिक कलर में रखा गया वाइट और ये स्काई कलर बोल सकते हो, ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है। नीचे आते हैं तो ये आप देख सकते हो होंडा का जो 3D लोगो है ये भी इसमें आपको दिया गया है जो कि सिल्वर कलर में यहाँ पर आपको मिल जाता है। और कुछ इस तरह का आपको नकल गार्ड भी इसमें मिलता है, दो मिरर मिल रहा है। इसमें आपको जो है फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलते हैं जो कि ये आपका जो है टैकोमीटर हो गया, ये आपको स्पीडोमीटर हो गया, ये टाइम शो कर रहा, और ये आपका फ्यूल डिजिटल फ्यूल हो गया, ये गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर हो गया। यहीं से आप इसे ट्रिप टोटल देख सकते हो, ये आपका ट्रिप ए हो गया, ट्रिप बी हो गया और ये आपका बैटरी का हो गया। तो ये कुछ था इसमें आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, साथ ही साथ इसमें आपको साइड स्टैंड कट ऑफ इंजन कट ऑफ सेंसर मिल जाते हैं, ये आपका हाई बीम का हो गया, ये ABS का इंडिकेटर हो गया, न्यूट्रल का इंडिकेटर, लेफ्ट राइट इंडिकेटर हो गया, ये चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। नीचे आपको जो है
होंडा का जो है यहाँ पर लोगो देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ इस तरह का इसमें आपको जो है बटन फीचर्स मिल जाते हैं। ये आपको किल स्विच हो गया जो कि देख सकते हो, और यहाँ पर ये आपका चेक इंजन माल फंक्शन का भी इंडिकेटर आपको मिल जाता है। बाइक में अगर जो कुछ भी खराबी आ जाता तो वो लाइट्स अपने आप ऑन हो जाएंगे। जब ये गाड़ी जब आप रोड पे जब चलाओगे तब ये ऑन हो जाएंगे, ऐसे ये बंद हो जाते हैं। ये आपका किल स्विच हो गया, ये आपका जो है ये हैजार्ड का भी स्विच हो गया जो कि आप देख सकते हो। इसमें हैजार्ड का भी ऑप्शन दे दिया गया जो कि यहाँ पर आप जल रहा, और ये देख सकते हो आप, ये आपका नीचे सेल्फ का स्विच हो गया। इधर आते हैं तो ये हाई बीम का स्विच हो गया, ये हाई बीम लो बीम का, इधर आपका पास का स्विच हो जाता आगे में, और ये आपका लेफ्ट राइट का, ये हॉर्न का। कुछ इस तरह का इसमें आपको हैंडल बार मिल जाएगा जो कि टूरिंग के पर्पज़ से बनाया गया, तो काफ़ी बेहतर है, आप इसे यूजली यूज कर सकते हो। बाकी इसकी मेन जो पावर की बात कर लें तो इसमें आपको जो है 184 cc का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक SI इंजन BS6 फेज टू वाला इसमें आपको इंजन मिल जाता है जो कि ये आपको मैक्सिमम पावर जनरेट करके देगी। 17.3 BHP का ब्रेक हॉर्स पावर का मैक्सिमम पावर जनरेट करती है। साथ ही साथ ये आपको जो है 15.9 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करती है गाड़ी। ये आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में देखने को मिल जाएगा, और ये जो है गियर शिफ्टिंग पैटर्न की बात कर लें तो वह 1 down 5 up इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। और बात कर लेते हैं इसकी मेन चीज़ जो है फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो इसमें आपको 12 लीटर यानी कि 12 लीटर का फ्यूल टैंक रखा गया है। 2.4 लीटर का ये बाइक जो है रिजर्व लेगी फ्यूल। E20 का अपडेट यहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको चाबी लगाने का जो ऑप्शन दिया गया है, जस्ट टैंक के नीचे यहाँ पर रखा गया है चाबी लगाने का, यहाँ पर इग्निशन के बोल सकते हैं यहाँ रखा गया है। इसमें आपको सस्पेंशन वगैरह एडजस्ट नहीं कर सकते हो। पीछे आपको जो है मोनोक्रॉस सस्पेंशन मिलता है जो कि आप देख सकते हो, पीछे मोनोक्रॉस मिल रहा है रेड कलर का। ये आपका पिलियन फुटपैक्स हो गए, राइडर फुटपैक्स हो गए, ये साइड स्टैंड भी मिलते हैं, डबल स्टैंड हो गए। साथ ही साथ इसमें आपको इंजन काउल भी मिल रहा है, ये आपका जो है मेटल में नहीं है, ये आपका फाइबर में देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरह का इंजन इसमें आपको मिल जाता है, एयर कूल इंजन फोर स्ट्रोक वाला BS6 फेज टू वाला कंप्लाइंट इंजन मिल जाता है। इसमें आपको जो है असिस्टेंट स्लीपर क्लच भी इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ इसमें आपको बात कर लेते हैं बाइक का ओवरऑल वेट के बारे में बात कर लें तो ये आपको जो है इस बाइक का जो वेट है वो आपको 147 kg यानी कि 147 kg है, बहुत ही कम रखा गया है 200 cc के इंजन में, जो कि आप इसे यूजली से आप राइड कर सकते हो कंफर्ट से। और सीट हाइट जो इसमें आपको रखा गया है 810 mm का सीट हाइट रखा गया, 810 mm का व्हील बेस इसमें आपको जो है 1355 mm का व्हील बेस इसमें मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें आपको चेसिस टाइप की बात कर लें तो ये आपको डायमंड टाइप में चेसिस टाइप देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं इसकी टॉप स्पीड, तो टॉप स्पीड इसमें आपको जो है 130 के आसपास इसका टॉप स्पीड देखने को मिल जाएगा इस बाइक में। तो इसका जो प्राइजिंग है वो फिर से मैं क्लियर करता हूँ, ये आपका पटना बिहार का प्राइजिंग रहने वाला है। ये आपका एक्स शोरूम प्राइस की बात कर लें तो ये आपका 1,46,999 रुपया एक्स शोरूम रहने वाला है। साथ ही साथ ये आपका ऑन रोड प्राइस की बात कर लें तो ये आपका पटना बिहार का 1,72,517 रुपया ये आपका ऑन रोड रहने वाला है। साथ ही साथ बता दूं ऑन रोड प्राइस में आपको थोड़ा इधर उधर हो सकता है आपके सिटी में, वो वहाँ के RTO और इंश्योरेंस पर डिपेंड करता है। बाकी ये आपको टूरर बाइक पर यूज कर सकते हो, डुअल डिस्क के साथ सिंगल ABS के साथ आती है, E20 का अपडेट मिल गया है, और BS6 फेज टू वाला इसमें आपको इंजन मिल जाता है। और ये बाइक आप देख सकते हो कलर भी इस पर जच रहा, मतलब कि ये डिसेंट मेटालिक ब्लू कलर जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है। सारी चीज़ें मैंने कवर कर दिया, और माइलेज की बात कर लें सबसे मेन चीज़ जो है ये बाइक जो है 200 cc में जो ये आपको 45 का माइलेज आपको निकाल के आराम से दे देगी, वो आप पे डिपेंड करता, अच्छा से यूज करोगे तो 40 से 45 के बीच ये आपको माइलेज के निकाल के दे देगी। बाकी बात कर लेते हैं कहाँ आना है इस बाइक को लेने के लिए, बाइक अवेलेबल है शोरूम में, तो ये ICU ऑटोमोबाइल रुकनपुरा बेली रोड पटना बिहार, ये आपका शोरूम एड्रेस हो गया। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस शोरूम का, वहाँ उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बाइक बुकिंग करा सकते हो। और ये बाइक भी शोरूम पर उपलब्ध है इस कलर का, और बाकी 5 कलर भी ऑप्शन इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा बाइक कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, और ये बाइक और वीडियो अच्छा लगा हो तो इंडियन ऑटोबाइक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।